अब हम जानते हैं कि फ्लोटिंग टाइप्स के बारे में। फ्लोटिंग टाइप्स में मेजर थ्री सब टाइप्स होते हैं, एक तो फ्लोट और डबल्स और लॉन्ग डबल्स। इसमें उसकी फ्लोट की साइज के बारे में बात करें तो उसकी 4 बाइट साइज होती है, उसकी रेंज 1.30 1.38 और 6 डेसिमल पहले से उसका होता है। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लोट की 4 बाइट से तो हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसकी रेंज को एक्सेस कैसे करते हैं और इसकी 6 डेसिमल पहले से लिखा है कि सब कुछ कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हमको पहले लीटर्स में उसको डिफाइन करना पड़ता है। मैं इस एग्जांपल में इस सेक्शन में फ्लोट को यूज करता हूँ, इसलिए मैं फ्लोट एच हेडर में डिफाइन करूंगा कुछ इस तरह से, फ्लोट एच। अब देखिए, मैं हमारा ये पुराना प्रोग्राम से स्कूल में हमें यहाँ निकाल के फ्लोट लिखना है, फ्लोट 80 फ्लोट। और यहाँ पे और यहाँ पे हमको फ्लोट, अब इसको रन करेंगे तो उसकी फ्लोट की साइज 4 बाइट आ गई। यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट की दोनों की साइज 4 बाइट है, इसलिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट शो नहीं कर रहा। फिर हम उसको पॉजिटिव वैल्यूज की हमको एक्सेस करनी है तो क्या करेंगे, तो पहले तो प्रिंट एफ वो जो सिंपल फंक्शन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स में सॉरी मैक्सिमम साइज ऑफ पॉजिटिव, और ये वो कैपिटल है क्या, तो उसके लिए हमको पहले एक परसेंटेज यहाँ पे पॉजिटिव और एक्सेस करने के लिए हमको परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज ई लिखना है। और उसके बारे में बाद में कैपिटल में एफ एल टी फ्लैट अंडरस्कोर एम ए एक्स, पहले ये सही है नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए, हमको मैक्सिमम साइज ऑफ परसेंटेज 3.4 ये प्लस 38 आ गया है, देखो यहाँ पे ये है इसकी ये मैक्सिमम साइज है। वैसे ही हमको मिनिमम एक्सेस करनी हो फिर इसको पूरे में चलो तो नीचे लिखते हैं PRINT प्रिंट एफ मिनिमम साइज ऑफ मिनिमम साइज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू आएगा सॉरी वैल्यू हमको यहाँ पे स्लैश एम, क्योंकि इसके लिए न्यू लाइन में स्टार्ट हो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा वैल्यू। फिर हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा परसेंटेज ई, यहाँ पे भी परसेंटेज ई आएगा। फिर हम कैपिटल्स में एफ एल टी फ्लैट एम आई एन मीन लिखेंगे, उससे उसकी मिनिमम वैल्यू एक्सेस होगी। चलिए देखते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे रह गया था, देखिए उसकी मिनिमम वैल्यू हमको एक्सेस हो गई। हाँ अब हमको उसकी और डेसिमल पैलेस वाली वैल्यू एक्सेस करनी हो तो कैसे करते हैं, तो इसलिए सिंपल फंक्शन प्रिंट एफ वैल्यू हमको एक्सेस करनी हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपली परसेंटेज डी आता है और इसमें कैपिटल एफ एल टी फ्लैट डी आई जी एस आर फंक्शन आता है। मैं यहाँ पे फिर से भूल गया और सॉरी, फिर हम कंपाइल करेंगे तो देखिए रिडक्शन वैल्यू 6 आ गई है, न्यू लाइन में नहीं आया क्योंकि हमको यहाँ में न्यू लाइन के लिए कंट्रोल से डिवीजन एन वाला भूल गया था। अब देखिए परफेक्ट आ चुका है, तो ऐसे ही हम उसकी फ्लोट की सबसे सारी वैल्यू को ऐसा ही हम फ्लैट की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग उसके वेरिएबल्स के जो उसकी लाइब्रेरी में डिफाइनेबल होते हैं। वॉइड टाइप्स, वॉइड टाइप्स में फंक्शन होता है फंक्शन रिटर्न एज अ वॉइड, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एज अ वॉइड, पॉइंटर एज अ टू वॉइड। ये सारे डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जानेंगे।